लखनऊ में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है वह एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। विपक्षी दल कांग्रेस और वामपंथी जो षड्यंत्र रच रहे हैं वह पॉलिटिकल पाखंड है। नौजवानों के कंधों पर बंदूक रखकर यह अशांति फैलाकर लोगों को भ्रमित कर अपनी राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के भाजपा मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्तार अब्बास नकवी ने CAA के बारे में बताया कि इसमें कई संशोधन करने के बाद ही यह बिल लाया गया। हम चाहते तो जनवरी 2019 में ही इसे पास करा लेते, लेकिन तब इस बिल को सिलेक्टेड कमेटी को भेजा गया। नकवी ने बताया कि राज्यसभा में यह बिल पेंडिंग पड़ा रहा, फिर जब नई सरकार आई तो इसे दोबारा संसद के दोनों सदनों में पास किया गया। इस प्रकार लोकसभा से दो बार पास होने के बाद राज्यसभा से पास हुआ और CAA कानून बना। एक पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब उन्हें समय मिलेगा तो वह छपाक फिल्म को देखना चाहेंगे। नागरिकता कानून के बारे में जिस तरह का दुष्प्रचार, और दुष्प्रचार केवल नहीं बल्कि झूठ की पराकाष्ठा की गई है, वो एक बहुत खतरनाक मानसिकता और खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा है। जिस तरह से कुछ राजनीतिक पार्टियों, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य और पार्टियां हो, कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, उन्होंने अफवाहों के माध्यम से अमन को अगवा करने का जो षड्यंत्र रचा है, अफवाहों के माध्यम से शांति को हाईजैक करने का जो षड्यंत्र रचा है, वो पूरी तरह से दिन ब दिन बेनकाब हो रहा है। और लोग उन लोगों की सियासी मकसद और मंशा वो काफी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कुछ प्रदर्शन जो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल पाखंड से प्रभावित हैं, जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, हमें उनसे कोई न शिकायत है न उनसे कोई हमें उनके बारे में कोई हमारा आरोप है, लेकिन निश्चित तौर से जो पॉलिटिकल पाखंड से प्रभावित प्रदर्शन है और खास तौर से नौजवानों के कंधे पर बंदूक रख करके जो पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे के पूरे प्रकरण पर लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रही हैं, उनका केवल एक ही संकल्प है, झूठ में वो जयते, सत्य में वो जयते नहीं, झूठ में वो जयते। और उस झूठ में वो जयते का झंडा बुलंद करके वो एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रभावित करने और उनमें भय और भ्रम का भूत खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।